जानुसंधी शूल मध्ये खालील कोणते कर्म कधी करावे? अग्निकर्म, जलोकावचारण, विद्ध कर्म, जानुभस्ती. जानुसंधी शूल मध्ये अग्निकर्म, जलोकावचारण, विद्ध कर्म, जानुभस्ती. जानुभस्ती तो मैं सेवन नहीं करता. भस्ती देना चाहिए वहां रहने के बढ़ावे के क्या काम होने वाला है. लोगों को फैसिलिटी रहता है कुछ आने जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो मन की बात रहती है. विद्ध कर्म कब करना है? जब खून का बहाव खून अगर खराब हो गए तो विद्ध कर्म करना है, रक्त मोक्ष करना है. वात की वृद्धि अगर हो गई तो अग्निकर्म करना है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापा रहे तो अग्निकर्म ही फायदा रहेगा. वात रुकते आम वात जैसी पीड़ा है तो विद्ध रक्त मोक्ष करना है. उसमें सामता रहे तो रक्त मोक्ष करने से तकलीफें बढ़ जाती है, इसलिए पहले पाचन करना चाहिए. जानुसंधि किसकी वजह थी देखना चाहिए. लीकेज टीथ रहे और उसकी वजह से जानो शूल अगर रहे ना तो चंद्र प्रभाव देने से वो कम हो जाता है, क्योंकि कारण यहाँ रहता है. तो जानो शूल किस वजह से उसके ऊपर वो निर्भर है.